हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो इवेंट्स और मैं हूं केआर मुकेश। गाइज आज हम इस गाड़ी यानी कि i20 जो न्यू i20 5 नवंबर 2020 को लॉन्च कर दी गई है, जिसकी आज हम प्राइस, फीचर्स, माइलेज और इस कार की सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे, साथ ही साथ इंजन पावर की भी बात करेंगे। तो गाइज हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। और ऐसे फर्स्ट कस्टमर है जो न्यू i20 आस्टा ऑप्शन यानी कि टॉप मॉडल सनरूफ वाली कार लेके कितने खुश है और इस बारे में फीडबैक देंगे। हमारे साथ में डॉक्टर आलोक जी है। ये बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये i20 आएगा, और ये फर्स्ट कस्टमर है हमारे इंडिया में, और हैचबैक कार में ये फर्स्ट कार है जिसमें कि आपको सनरूफ मिलती है। एक्चुअली सनरूफ वाली ये कार इस बजट में मुझे यूनिक लगी और काफ़ी अट्रैक्टिव लुकअप है इसका, स्पोर्ट लुकअप है, और बच्चे की ये पसंदीदा कार बन गई है। तो काफ़ी दिन से बच्चे भी इंटरेस्टेड थे और मैं भी देख रहा था, काफ़ी दिनों से इनके इंतज़ार में था, एक्साइटेड था कि कब लॉन्च हो। इसलिए मैं सबसे ये सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहला कस्टमर मैं बना। तो ये कार मुझे हर दृष्टिकोण से अच्छा लगा, और इसके म्यूजिक सिस्टम भी ज़बरदस्त हैं, बॉस के म्यूजिक हैं, और सीट काफ़ी कम्फर्टेबल हैं। तो हर दृष्टिकोण से इसका काफ़ी मतलब अन्य गाड़ियों की तुलना में एक्सेस, मतलब ये लुकअप इतना प्यारा है, तो मैं हर कारणों से ये डिसाइड किया कि मुझे ये गाड़ी लेना है, इसलिए मैं इसे चूज़ किया। और एक फीडबैक देंगे, पुरानी i20 से क्या आपको अलग देखने को मिलती है इसका? ये अलग इसका ये है, लुकअप बिल्कुल डिफरेंस है, और सनरूफ जो है उसमें भी काफ़ी स्पेशियस है। तो ये सारी चीज़ें और भी स्पेशियस अंदर की चीज़ें और भी कई सारी फीचर्स हैं इसके, वो सारी चीज़ें कुछ डिफरेंस है इसमें, इसलिए मैं इसे लाइक किया। इसका ऑन रोड प्राइस मुझे 10 लाख पड़ा है, जो कि ऑन रोड है, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है इसमें। तो आप बताएंगे क्या आपको महंगा लगा या चीपेस्ट नहीं? ये मुझे लग रहा है कि इतने सारे फीचर्स दूसरे गाड़ी में इस रेट में नहीं मिलेंगे, इसलिए और गाड़ियों की तुलना में इस फीचर में मुझे ठीक लगा। ये मीडियम बजट है, बहुत ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से फीचर है, तो मुझे आई होप कि सारे कस्टमर पसंद करेंगे, इसे ज़रूर चूज़ करेंगे। थैंक यू सर, और हमारे दोस्तों को बोल दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को यह कार का अगर फीडबैक देखना है और भी कार पसंद करना है, बच्चों का ये काफ़ी पसंदीदा है, तो आप जरूर इसे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखें, ताकि इसका लाभ आप उठा सकें। थैंक यू। थैंक यू आलोक जी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इस कार की बात कर लेते हैं, तो पुराने i20 से जो न्यू i20 है, इसकी ऑल ओवर डिजाइन अलग आपको देखने को मिलती है। इसकी एक बार ग्रिल की बात कर लेते हैं, तो पैरामेट्रिक ग्रिल दी गई है, जो कि देख रहे हैं आप ब्लैक कलर में, और नीचे में अगर देखेंगे बम्पर में तो रेड एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दी गई है। और इसकी अगर हेडलैम्प की बात कर लेते हैं, तो देख रहे प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। साथ में इंटीग्रेटेड डायरल दी गई है, और इसमें i20 की बेस दी गई। एक बार इसकी फॉग लैंप की बात कर लेते हैं, तो फॉग लैंप प्रोजेक्टर आपको मिलते हैं। RBM पे देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर दी गई है, जो कि पहले की कार पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिलती थी, बट इसमें आपको और RBM पे ही देखने को मिल रही है। कि अगर साइड में देखेंगे तो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में आपको मिलती है, जो कि आपको ऑलरेडी फिटेड मिलती है इस कार में। आ चुके हैं इसके इंटीरियर में, और देख रहे हैं इसमें 10.25 इंचेस की आपको HD टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है। जिसके साथ में आपको नेविगेशन, ब्लूटूथ, ऑटो कारप्ले एंड एंड्रॉयड कनेक्टिविटी के साथ ये आपको इनबिल्ट मिल जाएगी। और इसके ऊपर में देख रहे होंगे इसमें
IRBM पे आपको देख रहे हैं ब्लू लिंक की स्विच आपको मिलती है, प्लस रोड असिस्टेंस मिलती है, प्लस सॉस कॉल की भी आपको ऑप्शन IRBM पे ही दे रखी है। और इसके नीचे में आते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाती है। और ये डिज़ाइन काफ़ी एक अलग हुंडई कार में आपको बहुत अट्रैक्टिव इस कार को बना रही है। और अगर देख रहे हैं अगर हुंडई में इस तरह की डिज़ाइन इस कार में पहली बार दी गई है i20 में। इसके नीचे में चलेंगे तो आपको देख रहे हैं USB पोर्ट देखने को मिल जा रही है, 12 वोल्ट की चार्जर प्लस स्पीड चार्जिंग की भी आपको ऑप्शन आपको मिल जाती है। और एक सबसे अच्छी बात लगी इसमें कि आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन मिलती है जो कि पुराने i20 में आपको नहीं मिलती थी। और ये स्मार्ट गियर लेबर भी आपको 5 गियर के साथ आती है। एक बार हम इसके स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छी लगी, आप देख रहे हैं इसमें एयरबैग देखने को मिलती है, साथ में हुंडई की लोगो दे गई है स्टेयरिंग पे। और इसमें लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको एक एयरबैग देखने को मिल जाएगा, यानी कि दो एयरबैग आपको इस मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। एक बार इसकी हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो देख रहे हैं इस तरह की कॉर्नर में भी आपको इस तरह की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह का कुछ भी इसमें देख सकते हैं। और इसमें देख रहे हैं अगर सीट बेल्ट आप नहीं लगाते हैं तो वो चीज़ को भी आप यहाँ देख सकते हैं, साथ में आप किलोमीटर क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे वो चीज़ को आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा अगर देखने से ब्लू कलर में जो दिख रहा है डिजिटल क्लस्टर काफ़ी अच्छा हमें इम्प्रेस किया और ये एक अलग ही नज़ारा हमको देखने को मिल रही है। और साइड साइड में देख रहे हैं एम्बियंस लाइट दी गई है, अगर गेट में ही देखेंगे तो एम्बियंस लाइट दी गई है। और जिन लोगों के लिए ऑडियो की शौकीन है तो आपके लिए बोस की प्रीमियम साउंड क्वालिटी मिलती है, जो कि बोस से काफ़ी अच्छा उसको साउंड क्वालिटी माना जाता है। और हुंडई की अधिकतर कारों में अभी और ये किया मोटर में आप भी देख रहे हैं उसमें बोस प्रीमियम की साउंड अभी मिल रही है। और ये गेट पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORBM स्विच आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें चार पावर विंडो दी गई है प्लस लॉक की अनलॉक की स्विच इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और स्टेयरिंग पे आप देख रहे हैं आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें दी गई है। अगर ऑडियो आप सुनते हैं या गाड़ी ड्राइविंग करते हुए आप ऑडियो का अगर शौकीन है तो आप यहाँ से वॉल्यूम या अप या डाउन कर सकते हैं। और इसमें आप अगर गाड़ी चलाते हुए हम किसी से कॉल पे बात करते हैं उसके लिए भी कॉल कनेक्ट या डिसकनेक्ट ऑप्शन दी गई है, प्लस वॉइस रिकॉग्निशन मोड पे आप गाड़ी चलाते हुए फिर FM या मीडिया पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इस वेरिएंट पे हमें वो जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट हम मानते हैं तो क्रूज कंट्रोल, जो कि इस कार में आपको नहीं मिलती है, टॉप वेरियंट पर ही आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाती है। और एक बार हमें स्टेयरिंग पे देख लेते हैं तो स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा हमें इम्प्रेस किया है, तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक व्हील आपको देखने को मिल जाती है भी साइड में इसको मूव आसानी से हम कर सकते हैं, जो कि एक ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसको हम मान सकते हैं, जो कि बहुत ही कम कारों में आपको देखने को मिलती है और हुंडई की लगभग बहुत सारे कार में आपको देखने को मिलेगी। और हुंडई ने भी इस फीचर्स को काफ़ी सूटेबल बनाने के लिए इसमें फीचर्स दी गई है। और इसके एक बार ऊपर में देख लेते हैं तो इसमें पुश बटन की ऑप्शन दी गई है, इसमें आप गॉगल्स वगैरह सारा कुछ रख सकते हैं, प्लस इसमें लाइट दी गई है, इस तरह की लाइट आपको देखने को इस कार में मिलती है। और जो पुराने i20 थे उससे काफ़ी अलग ही है, अगर इंटीरियर में एक अलग ही आपको लुक देखने को मिल रही है। और इसमें आपको फैब्रिक सीट आपको मिलती है। और इस वेरिएंट पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पुश बटन की ऑप्शन दी गई है। और नीचे में देख रहे हैं गाड़ी चलाते हुए भी आप रियर व्यू आप ले सकते हैं, इसकी स्विच बगल में दी गई है, जो कि काफ़ी एक अच्छा अलग आपको इस गाड़ी में देखने को मिल रही है। रियर सीट की बात कर लेते हैं तो काफ़ी कम्फर्ट है और तीन लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। और पीछे में देख रहे हैं इसमें रियर AC वेंट्स दी गई है और चार्जर की ऑप्शन दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा है, अगर पुराने i20 थे उससे ज़्यादा स्पेस हमें देखने को मिल रही है इस कार में। और इसमें भी आप देख रहे हैं अपर में आपको लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा इसको हम मान सकते हैं। और ये साइड गेट पे ही देख रहे हैं इसमें भी आपको बोस की स्पीकर दी गई है, प्लस आपको पावर विंडो के स्विच देखने को मिल जाती है। और तो चलिए हम इसकी एक बार बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो बूट स्पेस आपको
311 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस कार में। आपको हैचबैक कार में इतना ज़्यादा आपको मिलती है। और ये देख रहे हैं, ये बोस की प्रीमियम स्पीकर इसमें दी गई है, जो कि लेफ्ट साइड में केबल दी गई है, और इसमें आपको लाइट देखने को मिल जा रही है। आने से आप 3 लगेज इसमें ले जा सकते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव पे आप 3 लगेज इसमें ले जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें एक बार देख लेते हैं, तो इसमें आपको स्पॉइलर दी गई है, जो कि कार को काफ़ी स्पोर्टी बनाती है। और जो शार्क फिन एंटीना है इस कार में, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल एंटीना के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें लगी है। और इसमें स्टॉप सिग्नल दी गई है, रियर डिफोगर दी गई है, रियर वाइपर आपको देखने को मिलती है, हुंडई की लोगो दी गई है, और पीछे में टेल लैंप दी गई है, जो कि लाइन दे रखी है, जो कि दोनों टेल लैंप को कनेक्टेड करती है। i20 की बैच आपको देखने को मिल जाती है, और पीछे में देख रहे हैं एस्टा, जो कि सेकंड टॉप मॉडल है, उसकी बैच आपको देखने को मिलती है। नीचे में 2 सेंसर दी गई है, और इसी के नीचे में देखेंगे तो आपको रियर पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें देख रहे हैं डुअल टोन की ब्लैक एंड रेड कलर की जो बॉडी कलर में कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है, काफ़ी एक अलग ही आपको नज़ारा पेश करती है। यानी कि हुंडई ने किसी तरह की कमी इस कार में, इसके फीचर जो है किसी तरह की कमी इस कार में नहीं होने दी। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस कार को अग्रेसिव बनाती है, स्पोर्टी बनाती है। भी आप लाइनिंग जो देख रहे हैं, ये अलग ही इस कार में देखने को मिल रही है। अगर और एक टेल लैंप पे ही आप देख रहे हैं, इसमें i20 की बेस दी गई है। गाड़ी में किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है हुंडई ने। एक बार हम इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें 2 एयरबैग देखने को मिलती है, ABS विथ EBD आपको मिल जाएगी, साथ में आपको इसमें HEC, ASC और इसमें ISOFIX की भी ऑप्शन इसमें मिलती है, यानी कि चाइल्ड सीट की ऑप्शन मिल जाती है। और इसकी एक बार हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि सेडान कार और हैचबैक कार में आपको बहुत से कारों में 165 या 170 के अप्रोक्स आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, बट इसमें 170 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इस कार में 1.2 कप्पा पेट्रोल इंजन देखने को मिलती है, जो कि 83 PS पावर 6000 RPM पर प्रोड्यूस करती है। और इस कार में 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि 1.0 टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, 1.2 कप्पा पेट्रोल इंजन और 1.5 CRDI यानी कि डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है। और इसके एक बार टायर की बात कर लेते हैं, तो आपको 16 इंच की टायर डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ इसी टायर आपको मिलती है। प्राइस की बात कर लेते हैं, तो एक शोरूम आपको 8,69,000 के अप्रोक्स आपको मिल जाएंगे, और इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो 9,45,000 के अप्रोक्स इसको परचेज कर सकते हैं। और ये झारखंड की प्राइस है, यानी कि झारखंड रांची की प्राइस है, और अदर स्टेट पे आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकती है। इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं, तो आपको 21 KMPL की माइलेज आपको मिलती है। और अगर इस कार में किसी तरह कोई फीचर्स अगर हमारे तरफ से छूट गई होगी, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके इसकी इन जानकारी ले सकते हैं। तो गाइज, 5 नवंबर 2020 को हुंडई ने अपनी i20 हैचबैक कार लॉन्च कर दी है, और ये देख रहे हैं फेरी रेड में, जो ये सेकंड टॉप मॉडल गाड़ी आप देख रहे हैं। और इससे एक ऊंचा मॉडल आप देखेंगे, आस्टा ऑप्शनल आती है, जिसमें कि आपको सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को आपको मिल जाएगी, साथ में आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह, इससे 2 से 3 फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। और एक बार इसकी हम बात कर लेते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इसकी ग्रिल दी गई है, काफ़ी ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगी है। और इसके नीचे में जो देख रहे हैं डुअल टोन, जो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की जो देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें इम्प्रेस की है। और पुराने i20 के मुकाबले इस i20 में इसकी ऑल ओवर जो डिज़ाइन थी पुराने i20 की, उससे काफ़ी अलग हमको मिली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।